हेलो दोस्त, जैसा कि जानते हैं 22 तारीख को आपका रिवाइज आंसर किया गया था आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट का लेवल 5 और लेवल 2 के लिए। कुछ लोगों का एकदम बिल्कुल सही प्रश्न है, हिंदी प्रश्न को हटाया गया और इंग्लिश प्रश्न को सेम के सेम रखा गया है, जिसके कारण से नंबर 0.3 कम हो गया हिंदी वाले को और इंग्लिश वाला का नहीं, जिससे कटअप से कई लोग हिंदी वाले बाहर हो गए। तो हिंदी वाले कैंडिडेट के साथ एक गलत है या सही है? तो देखिए, रेलवे का मैं कहूँगा, सीधी सी बात है, रेलवे में जब हम आंसर की के बात करते हैं तो आंसर की दो तरीके से आता है। एक आपका रिजल्ट के बाद आता है जिस पे रेलवे का अपना आंसर होता है, लेकिन उस आंसर पे किसी को ऑब्जेक्शन लगाना होता है, जिसको ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लगा कहते हैं। उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ रिवाइज आती है जिसको स्वीकार किया जाता है, वहाँ पैनल स्वीकार करती है, उसके बाद वो रिजल्ट आता है। तो देखिए, यहाँ हिंदी वाले प्रश्न को डिलीट होने में ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट का हाथ है, यानी कैंडिडेट का हाथ है, रेलवे का कुछ हाथ इसमें नहीं है। लेकिन रेलवे ने उसको माना है, क्यों माना है उस पर थोड़े से पॉइंट पे बात करेंगे। हालांकि रेलवे के इंटरनल क्या डिसीजन किस तरीके से हुआ है, लेकिन जो प्रश्न दिख रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि हिंदी के प्रश्न को क्यों हटाया, इंग्लिश को क्यों नहीं हटाया। तो ये मुझे टेलीग्राम पे एक कैंडिडेट और एक व्हाट्सएप पे लिख के पूछते हैं। कई बार वो कहते हैं कि हिंदी वाले कैंडिडेट को ले डूबेगा जिनका बॉर्डर के पास यानी नियर सिलेक्शन के बाद था कटअप, और पर्सनली व्हाट्सएप पे तो लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं समझा दूँ। ये दोनों प्रश्न इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया है दोनों में। हम पहले इंग्लिश वाले की बात करते हैं। इंग्लिश के फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है 36 नंबर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा आंसर चार आपके इनके हिसाब से भी है, कैंडिडेट ने भी दिया है और इनको पूरे पूरे एक नंबर दिया गया है। इन प्रश्न को थोड़ा सा पढ़िएगा। और दूसरा जो कैंडिडेट हिंदी में दिया है उनके प्रश्न का आंसर 1 था, यानी ऑप्शन चेंज है लेकिन मात्रा वैल्यू जो टोटल कैंडिडेट का है 132 ही है, यानी आंसर में 132 में कोई बदलाव नहीं है। तो एक का गलत और एक का सही कैसे? अभी इसको सही और गलत समझाने के लिए मैंने क्या कहा, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न को पूरी पढ़ने की जरूरी नहीं है, वीडियो को लंबा नहीं मैं करूँगा, सीधा सा बोलूँगा, एक जगह पे आप आ जाइए और आके रुक जाइए। यहाँ पे देखिए, ये वाला इतना लाइन आप पढ़ लीजिए, बस आपका प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 4/4/9 ऑफ बॉय आर 12 ईयर ऑफ एज एब और एबव, यानी 12 साल के भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा का भी हो सकते हैं। और हिंदी में जब प्रश्न पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया, तो इसको ट्रांसलेट में क्या गलती हो गई कि यहाँ पे लिख दिया कि एक मिनट, यहाँ से लड़कों की संख्या 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है, यानी 12 को इंक्लूड नहीं किया, जिसके कारण से अगर सही से कैलकुलेशन करें तो आंसर चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग गलत निकल रहा है। और गलत निकल रहा है ट्रांसलेट होते वक्त, खाली 12 इसमें इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूड ऑफ 12, यानी इस प्रश्न को भी सही माना जाता है। रेलवे इसी आधार पे इसको गलत माना होगा कि यहाँ केवल 12 वर्ष हो गया, और इंग्लिश में देखिएगा तो इंग्लिश में क्लियर लिखा हुआ है कि 12 और एबव का है, यानी मीनिंग पे किसी ने पकड़ के लिख दिया कि यहाँ 12 नहीं है। हालांकि आंसर में बहुत ज़्यादा कोई चेंज हो या नहीं हो मैं कैलकुलेट करके नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लोगों का है ऑब्जेक्शन, जिसका गलत हो गया होगा आंसर, उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया कि 12 तो इसमें इंक्लूड किया है इंग्लिश में, हमारा हिंदी वाला में तो 12 है ही नहीं है। अब क्या हुआ, रेलवे ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट में देखा कि प्रश्न में गलत है, आंसर तो गलत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रश्न में गलती होती है तब भी प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है, और ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट में लोगों ने जो ऑप्शन किया, जो ऑब्जेक्ट किया, उस पर रेलवे को ये लगा कि प्रश्न हमने जो ट्रांसलेट किया था किससे, इंग्लिश से हिंदी में, जो आपकी इंस्ट्रक्शन और आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके इंस्ट्रक्शन में भी लिखा जाता है, और मैं शुरू से ही बताते रहता हूं कि रेलवे हमेशा या कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन को इंग्लिश में बनाता है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारे भाषा में इस क्वेश्चन को डिस्प्ले कराया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में जो भाषा में होती है। अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला ही माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है। अब इसी कारण से रेलवे ने इस प्रश्न को अलग कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।